हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आई होप कि आप सबके सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ड्रिप गोकू के नेक्स्ट पार्ट पर। सो गाइज, उस FBI एजेंट को गोकू की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो रियोक को मार सके, इसलिए वो शख्स लाइट को ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो शख्स एक प्लान बनाता है और गोकू से कहता है कि हम इसमें एक और पर्सन को शामिल करेंगे, हम लाइट तक उस पर्सन का नाम पहुंचाएंगे ताकि वो उसका नाम लिखकर रियोक को भेजे। और फिर गोकू बीच में कहता है, और फिर मैं उसे पकड़ लूँगा। अब गोकू और उस शख्स का प्लान कंप्लीट रेडी हो जाता है। प्लान के मुताबिक वो एक पर्सन को इसके लिए रेडी करते हैं। अब वो एजेंट झूठ मूठ में गोकू से बात करता है और कहता है, क्या तुम्हें मालूम है शहर में एक नया आदमी आया है। गोकू कहता है, कौन? वो जो लाइट के बारे में बुरा बुरा कह रहा था? वो पर्सन कहता है, हाँ हाँ वही, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तब गोकू कहता है, उसका नाम रियोट था ना? वो पर्सन कहता है, हाँ हाँ वही। और फिर गोकू वो पर्सन चले जाते हैं। इसके बाद लाइट तक वो नाम पहुंच जाता है। अब गोकू और वो एजेंट एक साइड में छुपकर रियोट का वेट करते हैं और उसकी नज़र रियोट पर रहती है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है। जैसे ही लाइट रियोट का नाम डेथ नोट में लिखता है और वो बंदा गोकू और उस एजेंट के सामने मारा जाता है। ये देखकर गोकू एंड एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एजेंट कहता है, आखिर हुआ क्या? गोकू कहता है, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दिया, यहाँ क्या हुआ है? तब दोस्तों गोकू और वो एजेंट कुछ भी नहीं कर पाते और बस देखते रह जाते हैं। अब गोकू एजेंट से पूछता है, यहाँ हुआ क्या, मुझे कुछ तो बताओ। वो एजेंट कहता है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने ऐसा सीन पहली बार देखा है। गोकू रियोट को सॉरी कहता है और बोलता है, हमारी वजह से तुम्हारी जान गई। इसके बाद वो एजेंट कहता है, मुझे इस पर अभी और रिसर्च करनी होगी। और फिर वो एजेंट चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है नेक्स्ट डे पर। गोकू बाहर घूम रहा होता है, तब वो देखता है कि एकदम वहाँ 3 पर्सन की डेथ हो जाती है। ये देखकर गोकू काफ़ी गहराई में सोचता है और कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं जानता हूँ कल वो शख्स ऐसे ही नहीं मरा और अब ये भी ऐसे ही नहीं मरे, कुछ है ऐसा जो इसे कर रहा है। अब गोकू कहता है, मैं जानता हूँ ये सब रियुक ही कर रहा है। तब गोकू अपनी आंखें बंद करता है और पूरा ध्यान लगा देता है। अब गोकू अपनी मन की आंखों से सब देख पा रहा होता है। तब वहां गोकू को दिखाई देता है एक डरावना पागल राक्षस। गोकू कहता है, यही रियुक है। गोकू उससे कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हो और ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? इसके बाद सीन ब्रोली एंड विश पर जाता है। विश ब्रोली को ध्यान करना सिखा रहा है। ब्रोली को ध्यान करते हुए काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन इससे ब्रोली काफी इरिटेट हो जाता है और विश से कहता है, तुम तो मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाने वाले थे ना, तो तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो? तब विश कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा, इसके बिना तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं सीख सकते। सो गाइज, क्या ब्रोली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख पाएगा और क्या होने वाला है रियुक और गोकू के बीच? सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री से भरा हुआ है। तो आपको इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाना है और अपने नाम के साथ अपने स्टेट का नाम कमेंट में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहां कहां से सपोर्ट मिल रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।